हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी सद्दाम कंप्यूटर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी में एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जो बहुत ही शानदार है। वो क्या पोर्टल है? इसका नाम है सीपी ग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको साफ साफ मैं बता दूं, जैसे सूचना का अधिकार पहले था 2005 वाला अधिनियम, उसी तरीके से ये भी है, लेकिन उसका जो प्रोसेस था वो थोड़ा ज्यादा लंबा था, लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत ही शॉर्ट है। अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे है। पहले क्या होता था कि उसका जो सूचना का अधिकार वाला था उसमें बहुत सारा प्रोसेस के गुजरने के बाद उसमें काम किया जाता था, लेकिन ये जो है सीपी ग्राम्स, इसमें आप डायरेक्ट राज्य सरकार के पास अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो और वहां से तुरंत चेंज होकर के वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो इसको करते कैसे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है सीपी ग्राम्स। ठीक है, जैसे लिखोगे सीपी ग्राम सर्च में, सीएससी आईडी को पहले को ओपन कर लेना है। ठीक है, पहले आपको सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ सर्च में टाइप करना है सीपी ग्राम। जैसे लिखोगे तो आपके नीचे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेवस थ्रोट सीपी ग्राम, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, आपको यहाँ सिंपल सा लॉगिन करना है डिजिटल सेवा कनेक्ट में। क्लिक करोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दिखेगा, यानी अगर आप शिकायत दर्ज किए रहोगे तो सारा का सारा इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ लेजेट पब्लिक ग्रीवेंस लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लेजेट पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा, आरटीआई मैटर्स, कोर्ट रिलेटेड सबनेट, यहाँ पे रिलीजन मैटर्स, बहुत कुछ है इसमें। इससे रिलेटेड आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, आगे और भी बहुत कुछ है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एग्री पे क्लिक करना है, टिक लगाना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक और पेज दिखेगा जिसमें फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग डिवीजन लिखा है, लेबर एंड एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉयमेंट लिखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस, टेली कम्युनिकेशन, मोबाइल से रिलेटेड, संचार, होम अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड आप यहाँ पास कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे और भी दिया हुआ है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो सब कुछ आपको देखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक ट्रेनिंग मोड जो है यहाँ पर पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इस पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो किसी एक में भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो जो आपसे रिलेटेड हो। तो पर्सनल ट्रेनिंग में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पास इस तरीके का आपके पास एक पॉपअप आएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको सिंपल से इसमें ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पास मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आपका दिखेगा, जिस भी डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन कर रहे हो। तो फिलहाल अभी हम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में नहीं है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग में है। ठीक है, सिलेक्ट मेन कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किससे रिलेटेड इसमें कंप्लेन करना चाहते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ ऑल इंडिया सर्विस में क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ या एक और किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं अदर पे क्लिक करता हूँ। अदर में क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो जो भी आपका पास समस्या है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मिला है आपको, यहाँ पास आप जो भी समस्याएं हैं उसको आप यहाँ पे लिखो। अगर उसका अटैच रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, जिस भी आप कैटेगरी में कंप्लेन कर रहे हो, जैसे कि मान लो किसी भी ग्राम पंचायत में अगर किसी नल जल योजना वाला अगर कोई दिक्कत है, तो अगर उसका अगर आपके पास कोई रसीद या फिर कोई रिसीविंग है तो आप उसको भी यहाँ पास लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ सिंपल सा अटैच पे क्लिक करना है इस तरीके से, तो यहाँ पूछेगा प्लीज अपलोड फाइल, यानी हमने अटैच नहीं किया है। इसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पास रेफरेंस नंबर और रेफरेंस डेट यहाँ पास आपको चुन लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कंप्लेन लिखे रहोगे वो कंप्लेन आपको दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पर्सनल नाम लिखा है, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स नेम, आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना जेंडर चुनना है। ठीक है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आप जो भी हैं मेल है तो मेल में टिक लगाइए, अगर फीमेल है तो फीमेल में टिक लगाइए। ठीक है, इसके बाद आपको कंट्री चुनना है, तो आप डेफिनेटली इंडिया से होंगे। ठीक है, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट में आपको छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना है, या आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है,
इसके बाद आपको एड्रेस बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है, ऐसा ना हो कि आप जो एड्रेस दे रहे हो वो गलत हो, ठीक है? तो उसमें कोई काम नहीं अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको पिन कोड वगैरह सब अच्छे तरीके से ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को भरना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप अगर सर्विसमैन है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक रहने दीजिए, ठीक है? सिक्योरिटी कोड यहाँ पास मांग रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पास जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ सिंपल सा मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैक पेमेंट पे आप सारे को फिल करने के बाद आपको यहाँ मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैक पेमेंट के पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पास देखिए सेल अमाउंट आपको 50 रुपया दिख रहा है, लेकिन वॉलेट अमाउंट यहाँ 17 रुपया 8 पैसा कट रहा है, ठीक है? यानी बाकी का पैसा आपको जो पब्लिक से 50 रुपया लेना है उसमें आपको 20 रुपया माइनस कर दीजिए, फिर भी एक कंप्लेन में आपको 30 रुपया का कमीशन मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा यहाँ पास एक वेबसाइट दिया हुआ है और यहाँ पास लॉन्च हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।